नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का समर्थन करने वालों पर इन दिनों मोदी सरकार कहर बनकर टूट रही है। जहां एक तरफ आतंकियों की शामत आ रही है तो वहीं टेरर फंडिंग को जड़ से खत्म करने के लिए एक के बाद एक फैसला लिया जा रहा है। जहां हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के घर को अटैच कर दिया था, तो वहीं अब घाटी में एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में सुबह चार जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के चार व्यापारियों के घर पर छापा मारा है। पुलिस और सीआरपीएफ के साथ एनआईए ने अलगाववादी नेता सज्जाद लोन के करीबी व्यापारी आसिफ लोन, तनवीर अहमद, तारिक अहमद और बिलाल भट्ट के घर पर छापेमारी की और बरामद दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिसके बाद से अलगाववादियों के खेमे में हलचल तेज हो गई है। तो वहीं 23 जुलाई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अधिकारियों ने नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पार व्यापार करने वाले दो व्यापारियों के घरों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी पुलवामा और श्रीनगर जिले में की गई थी। टेरर फंडिंग के मामले की पड़ताल कर रही एनआईए ने गुलाम अहमद बानी के कैलर स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागज और अन्य सामान जब्त किए थे। इससे पहले भी एजेंसी के अधिकारियों ने कश्मीर के तमाम जिले में अलगाववादी नेताओं और व्यापारियों के घर पर छापेमारी की थी। बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय की ओर से टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप यानी कि टीएमजी का गठन हुआ है, तब से ही जांच एजेंसी आतंकियों को पनाह देने वालों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह साफ कह चुके हैं कि आतंकियों के प्रति मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसको कभी कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकता। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता है। मगर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उसको हर दम हर पल उखाड़ने के लिए कटिबद्ध है। खैर, गृह मंत्री अमित शाह का ये वादा घाटी में जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। इन दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी टेरर फंडिंग के मामले में अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी के मकान को आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के चलते अटैच कर दिया था। एनआईए ने यह कार्रवाई एक केस के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधि कानून के तहत की थी। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी दुख्तराने मिल्लत की मुखिया है और लंबे समय से घाटी में सक्रिय रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंद्राबी के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ भी बेहद करीबी रिश्ते हैं। खैर, कुछ भी हो, मगर जिस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी अलगाववादियों पर शिकंजा कस रही है, और इससे साफ है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब घाटी से आतंक जड़ से खत्म हो जाएगा। एनआईए जिस तरह से अलगाववादियों के घर पर छापेमारी कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।